वंदे मातरम दोस्तों, मैं अमरदीप जायसवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ह्यूमन एबिलिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएमआईटी रिपोर्ट के विषय में। डीएमआईटी रिपोर्ट हमें हमारे बच्चों का इफेक्टिव ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सहायता करती है। डीएमआईटी रिपोर्ट की सहायता से हम हमारा या हमारे बच्चों का गॉड गिफ्ट टैलेंट पता कर सकते हैं। हम हमारे बच्चों के उस क्षेत्र का पता कर सकते हैं जिसमें वे जीनियस हैं, और फिर उनकी जीनियसनेस को उनके प्रोफेशन में बदल सकते हैं। डीएमआईटी रिपोर्ट की सहायता से हम बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन, फील्ड सिलेक्शन सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, खुशहाल हो, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास भी करते रहते हैं। माता पिता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा, मेजर पोर्शन, अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं। एक माँ अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय अपने बच्चों का भविष्य निखारने में, सवारने में लगा देती है। हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि हमारा बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में विकास करे, चाहे वो एकेडमिकली हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। बच्चे के एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए हम अच्छे से अच्छा स्कूल चुनते हैं, अच्छे से अच्छा कॉलेज चुनते हैं, अच्छी से अच्छी कोचिंग या फिर वो सारी क्लासेस करवाते हैं जिसके द्वारा वो अपने स्कूल में और अपने जीवन में टॉप पर रह सके। इतना ही नहीं, हम फिजिकल एवं मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी उन्हें अच्छी से अच्छी एक्टिविटी ज्वाइन कराते हैं, जैसे कैरम, चेस, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जिससे बच्चे अच्छे से ग्रो हो सकें, उनका बहुमुखी विकास हो सके। हम बच्चों को उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन और कैरियर सिलेक्शन के लिए भी लगातार गाइड करते हैं, जिससे आने वाले समय में वो अपने लिए अच्छा प्रोफेशन चुन सके। लेकिन दोस्तों, माता पिता के इतने सकारात्मक, इतने पॉजिटिव प्रयासों के बाद भी और इतना पैसा और समय खर्च करने के बाद भी, एक स्टूडेंट जब डिग्री लेकर बाहर निकलता है या पास होकर बाहर निकलता है तो उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम्स एक अच्छे कैरियर को लेकर भी हो सकती है और आगे की जाने वाली हायर स्टडी को लेकर भी हो सकती है। अगर हमें अपने बच्चों को भविष्य की इन प्रॉब्लम्स से बचाना है तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ठीक तरह से जानें, उनकी समस्याओं को जानें और उसके उचित समाधान को जानें। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को ठीक तरह से जानते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको एक बार फिर सोचना होगा। क्या आप अपने बच्चों के बारे में इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं? पहला, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है? दूसरा प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए सबसे प्रभावी लर्निंग स्टाइल क्या है? मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं अपने बच्चों के मल्टीपल इंटरेस्ट के क्षेत्रों को? मेरा चौथा प्रश्न, क्या आप अपने बच्चों के लर्निंग और कम्युनिकेशन पावर के बारे में जानते हैं? मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या आप अपने बच्चे की जन्मजात प्रतिभा के बारे में जानते हैं? नहीं। और फिर भी आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैरियर काउंसिल अथॉरिटी के नवीन सर्वे के अनुसार पास आउट होने के बाद 70% स्टूडेंट्स अपनी फील्ड को चेंज कर लेते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई की है, विशेषज्ञता प्राप्त की है, उसे चेंज करके वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। सर्वे यह भी बताता है कि 80% इंजीनियर्स और MBA स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट जीरो है। जब बच्चे अच्छे नंबरों से पास होकर निकलते हैं या हायर ग्रेड से डिग्री लेकर पास आउट होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अब अच्छी पोजीशन पा पाएंगे,
मगर बाहर वो कम नंबर पाने वाले अपने साथियों को अपने से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता देखते हैं। याद कीजिए दोस्तों, यह सब हमारे साथ भी हो चुका है। याद कीजिए अपने उन क्लासमेट्स को जो क्लास में हमसे ज्यादा नंबर लाते थे, पर आज हम उनसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में हैं। और ऐसा भी है कि हमारे जो साथी हमसे कम नंबर लाते थे, वो आज हमसे ज्यादा तेजी से आगे निकल चुके हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अच्छे से अच्छे एकेडमिकल डेवलपमेंट के बाद भी स्टूडेंट आज पढ़ाई में तनाव महसूस करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, जिसके कारण कुछ मामलों में वो आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। सोचिए ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है? इन सब का कारण है प्रकृति के विरुद्ध विकास। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सरल शब्दों में यह बात समझाई है कि कोई इंसान यदि अपनी प्राकृतिक क्षमता को, अपने टैलेंट को नजरअंदाज करते हुए कोई कार्य करता है, तो वो उसके परिणाम के आधार पर जिंदगी भर अपने आप को मूर्ख समझेगा। जैसे एक मछली जिसका टैलेंट है पानी में तैरना, उसे अगर पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाए और इस काम के लिए अच्छे से अच्छा ट्रेनर रख दिया जाए, तो क्या ये सब इफेक्टिव होगा? क्या इसमें सफलता मिलेगी? नहीं, और मछली जीवन भर अपने आप को मूर्ख समझेगी। एक बच्चे का टैलेंट यदि मैथ्स में है और उसकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है, तो पेरेंट्स की एक कोशिश होती है कि कैसे भी करके उसकी मेमोरी को बढ़ाया जाए, जबकि उसका बेसिक टैलेंट मैथ में है, जिस आधार पर वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। ऐसे ही यदि किसी बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प है और उसका मैथ कमजोर है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। हमें बच्चों के बेसिक इनबॉर्न टैलेंट को जानना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने बच्चों का बेसिक टैलेंट जानने की कोशिश की है, या यह जानने की कोशिश की है कि उनका ब्रेन कौन सी नैसर्गिक प्रतिभा को अपने अंदर छिपाए हुए है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि कौन सा प्रोफेशन या कौन सी फील्ड बच्चे के लिए उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम है? दोस्तों, हम सभी अपने में विशेष हैं। हम सभी के पास कुछ अलग टैलेंट है। हम सभी की कुछ विशेष खूबियां हैं, कुछ विशेष क्षमताएं हैं, जो हमें दूसरों से अलग करती हैं, जिन्हें हम गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। अगर हमें उस क्षमता की, उस टैलेंट की सटीक जानकारी हो जाए, तो हम भी अपने को जीनियस साबित कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी जीनियस हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 80% से ज्यादा लोगों को अपने टैलेंट का कभी पता नहीं चल पाता। जिन लोगों को उनका टैलेंट पता होता है, वे लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित करते हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अगर हम सफलता की बात करें, तो इसका सीधा अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में महारत हासिल कर लेना और अपने काम को एंजॉय करना होगा। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, आईपीएस बनाना चाहते हैं, या और भी अच्छा प्रोफेशन देना चाहते हैं और उसे उस प्रोफेशन में सफल भी बनाना चाहते हैं, पर उसके लिए हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारा बच्चा उस प्रोफेशन को एंजॉय कर पाएगा, क्या वो उसे अपने पूरे दिल और दिमाग से कर पाएगा। यदि वो कर पाएगा, तो निश्चित रूप से वो उस फील्ड का जीनियस कहलाएगा और सफलता के नए आयाम प्राप्त करेगा। और अगर नहीं, तो वो जीवन भर अपनी स्थिति से खुश नहीं रह सकेगा, और इसके लिए केवल आप जिम्मेदार होंगे। इस विपरीत स्थिति से बचने के लिए हमें उसके टैलेंट को समझना होगा, उसके टैलेंट को जानना होगा, और दोस्तों, उस टैलेंट और मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं से जुड़ी हुई अन्य कई बातें हम जान सकते हैं DMIT रिपोर्ट के द्वारा।
जी हाँ, डीएमआईटी रिपोर्ट। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डीएमआईटी रिपोर्ट के बारे में। डीएमआईटी का मतलब डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ डर्मेटोग्लाइफिक्स से मतलब हमारे फिंगरप्रिंट की संरचना से है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस से मतलब हमारी अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं से है। इन दोनों के आपसी संबंधों, इन दोनों के कोरिलेशन के वैज्ञानिक अध्ययन से हमें डीएमआईटी रिपोर्ट प्राप्त होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं। पूरी दुनिया की 800 करोड़ से अधिक की आबादी में भी हमारे फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होते। फिंगरप्रिंट्स का विकास गर्भावस्था के 13वें से 21वें हफ्ते के बीच होता है, और यही वह समय होता है जब हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का विकास भी होता है। हमारे फिंगरप्रिंट और हमारे ब्रेन का सीधा कोरिलेशन होता है, और इसी कोरिलेशन के वैज्ञानिक अध्ययन के परिणाम को हम डीएमआईटी रिपोर्ट के रूप में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर स्फेरी ने अपने 22 साल के रिसर्च के बाद हमें बताया कि हमारा ब्रेन दो भागों में काम करता है, लेफ्ट एवं राइट। और इसके बाद हुई रिसर्चों से मालूम चला कि ये दो पार्ट 10 अलग अलग लोब्स में बंटकर काम करते हैं, राइट साइड में 5 पार्ट एवं लेफ्ट साइड में 5 पार्ट। ये लोब्स हमारी अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हमारा पूरा मस्तिष्क 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन के अलग अलग लोब्स में अलग अलग परसेंटेज में पाए जाते हैं। ब्रेन के जिस लोब में न्यूरॉन्स का परसेंटेज ज्यादा होता है, उस लोब से जुड़ी हुई या उस लोब के द्वारा कंट्रोल की जा रही एक्टिविटी हम अधिक सटीकता से कर पाते हैं। हमें इस टेस्ट की सहायता से ब्रेन में न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी मिलती है, जिसके आकलन से हम यह जान पाते हैं कि ब्रेन किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जैसा कि पहले कहा जाता था कि बच्चा एक कोरी किताब होता है, उस पर जो लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन प्रोफेसर हावर्ड गॉर्नर ने अपनी रिसर्च के बाद बताया कि बच्चा सब कुछ सीख सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर बच्चा कुछ कार्य अधिक तेजी से सीख सकता है और कुछ कार्यों को सीखने में उसे परेशानी हो सकती है। प्रोफेसर हावर्ड गॉर्नर ने ब्रेन के विभिन्न पोर्शंस का वैज्ञानिक अध्ययन किया और संसार को मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी, जिसके अनुसार 8 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस हम में होते हैं, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कंट्रोल होते हैं। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस अलग अलग क्षमताओं पर आधारित हैं, जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की क्षमता का ज्यादा होना, अर्थात भाषा संबंधी ज्ञान अच्छा होना, लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा होना, अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर का होना, विजुअल बेस का अच्छा होना, मतलब देखने की क्षमता तेज होना। डीएमआईटी रिपोर्ट से हमें इन 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की परसेंटेज वाइज जानकारी मिलती है, जिससे हम यह जान पाते हैं कि हम या हमारे बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है और कौन सा क्षेत्र उसके लिए अधिक उपयुक्त होगा। साथ ही इस रिपोर्ट से हमें बच्चों के IQ, EQ, CQ और AQ लेवल की सटीक जानकारी मिलती है। IQ अर्थात इंटेलिजेंस क्वेश्चन में बच्चा कितना अच्छा है, उसका CQ क्या है, अर्थात वो कितना क्रिएटिव है, उसका एडवाइजरी क्वेश्चन अर्थात रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और उसका EQ अर्थात वो कितना इमोशनल है। ये सारी जानकारी हमें इस रिपोर्ट से प्राप्त होती है। इसके बाद कैसे बच्चा स्टडी के दौरान सबसे अच्छा सीखेगा, ये भी हमें इस रिपोर्ट की सहायता से पता चलता है। मतलब उसका ब्रेन मेमोरी में किस तरह के इनपुट ज्यादा अच्छे से लेने में सक्षम है। इस रिपोर्ट से हमें यह भी पता चलता है कि किन किन विषयों का अध्ययन ब्रेन की प्राकृतिक क्षमताओं के अनुकूल है। हमें बच्चों की फिजिकल एबिलिटी की जानकारी भी मिलती है।
इन सारी जानकारियों के वैज्ञानिक अध्ययन करके रिपोर्ट हमें उसके अनुकूल कैरियर सिलेक्शन की गाइडेंस भी देती है। इस तरह हम देखते हैं कि डीएमआईटी रिपोर्ट हमें हमारे दिमाग के काम करने के विशेष पैटर्न के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे हम हमारे जीवन को अधिक सरल एवं सफल बना सकते हैं। जैसे यदि हमें मालूम चल जाए कि हमारे बच्चे के दिमाग की संरचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषयों के अनुकूल है या डिजाइनिंग के विषयों के अनुकूल है और वो इस क्षेत्र में अपना बेस्ट दे सकता है, तो हम उसे न केवल उसके अनुकूल एजुकेशन दे सकते हैं बल्कि उसके उस विशेष टैलेंट पर भी फोकस कर सकते हैं। निश्चित रूप से अब आप यह जानना चाहेंगे कि डीएमआईटी टेस्ट होता कैसे है। डीएमआईटी टेस्ट को करने के लिए आपके फिंगर पैटर्न को एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम में इनपुट किया जाता है, जहां प्रोग्राम इनपुट किए गए डाटा को एनालाइज करता है और डाटा बैंक ह्यूमन ब्रेन के स्टैंडर्ड पैटर्न से डाटा को कोरिलेट करने के बाद रिपोर्ट तैयार करता है। इस कार्य हेतु हमने आधुनिक तकनीक और एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से विशेष ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया है, जिसकी मदद से आप अपनी या अपने बच्चों की डीएमआईटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए खुद अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं। आपके इनपुट देने के बाद डाटा हमारे सेंट्रल सर्वर में जाता है, जहां हमारा विशेष सॉफ्टवेयर उसे एनालाइज करके कुछ ही सेकंड्स में आपकी सटीक डीएमआईटी रिपोर्ट जनरेट कर देता है। तो दोस्तों, अपनी या अपनों की डीएमआईटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट dmitstatus.com और बढ़ें एक सुनहरे, सुखद एवं खुशियों से भरे भविष्य की ओर। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं।